दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड अभिनेता टाइगर श्रॉफ जहां अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और अपने जबरदस्त डांस और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा ये सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। जहां आज बहुत सी अभिनेत्रियां तक इन्हें डेट करना चाहती हैं और इनसे बेइंतहा प्यार करती हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि टाइगर श्रॉफ को कभी प्यार नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर श्रॉफ की जिंदगी में भी इनका पहला और आखिरी प्यार रहा है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन है टाइगर श्रॉफ का पहला प्यार और आखिरी प्यार, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर श्रॉफ के पहले प्यार की। तो आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस दिशा पाटनी है, जिनसे इनकी पहली मुलाकात म्यूजिक वीडियो बेफिक्रा के दौरान हुई थी। और यहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इतनी करीब से जाना। धीरे धीरे दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। बता दें कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। हालांकि दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी भी ऑफिशियल नहीं किया, पर खबरें हैं कि दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ से शादी करना चाहती थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ लगातार इस शादी की बात को टालते जा रहे थे, जिस वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन अगर बात करें इनके आखिरी प्यार की, तो आपको बता दें टाइगर श्रॉफ इन दिनों दिशा धानुका को डेट कर रहे हैं। वो एक प्रोडक्शन हाउस में काफी अच्छी पोजीशन पर काम करती हैं और अक्सर टाइगर को सही स्क्रिप्ट ढूंढने में मदद करती हैं। कथित तौर पर दिशा पाटनी से अलग होने के बाद टाइगर ने दिशा को डेट करना शुरू किया था। बता दें कि वो लगभग 1.5 साल से एक दूसरे से मिल रहे हैं। दिशा अक्सर उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में सुझाव देती हैं, साथ ही उन्होंने उनकी फिटनेस की जिम्मेदारी भी संभाली है। वेल दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के पहले और आखिरी प्यार के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।